नमस्कार, मेरा नाम पिंडू सिंह यादव है और आप सभी का भोजपुरी रिमझिम में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, जब से पवन सिंह का नाम पॉडकास्ट आया है उसके बाद मानो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भूचाल मचा हुआ है। पवन सिंह के वो तमाम बयान, खेसारी लाल यादव को लेकर खास करके जो बयानबाजी हुई है उसकी एक अलग तरीके की चर्चा है, उसका एक अलग विवाद हो रहा है और उसको लेकर जो है अलग तरीके की बातें हो रही है। तो आपको पता होगा कि भैया पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को कंपटीटर नहीं मानते हैं, खेसारी लाल यादव को छोटा भाई मानते हैं। खेसारी लाल यादव को लेकर क्या क्या और भी सारी चीज़ें हुई है ये बखूबी आप जानते होंगे। खेसारी लाल यादव बड़बड़ बोलते रहता है, वो कब क्या बोल देता है, तो इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं सामने आई है, जिसके बाद जो खेसारी के फैंस हैं वो कहीं ना कहीं भड़के नजर आ रहे हैं। और खेसारी लाल यादव ने भी इंटरव्यू दे दिया, खेसारी लाल यादव ने इंटरव्यू जो दिया है उसमें कह दिया है कि भाई हमारा तो किसी के साथ कंपटीशन है ही नहीं, उनके साथ कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। और खेसारी लाल यादव का इसमें दुख भी जाहिर हुआ, वो तमाम बातें कह रहे थे भैया कि पवन सिंह हमारा साथ ही कब दिए हैं। ये बड़ी बात है, अपने आप में एक बड़ी बात है कि खेसारी लाल यादव इस तरीके की बातें कहे हैं। इसके अलावा कॉम्पिटिशन्स की बातें, 100 मिलियंस की बातें, ये तमाम जो चीज़ें हैं ना उसको लेकर खेसारी लाल यादव ने बाकायदा कही है चीज़ें और इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और उसके बाद जो है जो फैंस है वो आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं और फैंस जो है वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो तीखे मिर्ची की तरह दे रहे हैं। कई लोग ऐसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि अब उसके बारे में क्या ही कहना है। खैर मैं नहीं बोलूंगा उन लोगों के बारे में, लेकिन अब जो है खेसारी लाल यादव के दबंग राइटर के तौर पर जाने जाते हैं अखिलेश कश्यप का एक पोस्ट आ गया है जो सच में वाकई चौंकाने वाला है। और उस पोस्ट को देखकर लगता है कि भैया कुछ ना कुछ जरूर हो गया है जिसकी वजह से इस तरीके का पोस्ट आया। दरअसल अखिलेश कश्यप एक पोस्ट डालते हैं अपने फेसबुक अकाउंट पर और लिखते हैं कि ढेर ना दिक्कत हो जाएगी। और ये आखिरकार क्यों लिखना पड़ा अखिलेश कश्यप को, ये अपने आप में समझने वाली बात है। बाकी आप लोगों क्या लगता है क्यों ऐसा लिखना पड़ा अखिलेश कश्यप को, इस पर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।